बैतूल के गंज इलाके में बीती रात चोर ने कृषि सामग्री की दुकान से हजारों रुपए की नकदी सहित सामान पर हथियार कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंज पुलिस को मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात में अज्ञात चोर ने लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी की है। सुबह जब दुकान के संचालक ने देखा तो उसकी शिकायत डायल 100 को की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। नव शक्ति किसान सेवा के संचालक प्रफुल्ल साहू ने बताया कि रात में दुकान बंद करके गए थे और सुबह जब उनके पिता ने दुकान खोली और अंदर जाकर देखा तो पीछे टीन शेड कटा हुआ था। दुकान में देखा तो लगभग 80 से 90 हजार नगद राशि और अन्य सामान गायब था। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। तो मैं लगभग 8 बजे हम दुकान बंद करके घर की ओर चले गए थे। जब सुबह आए 9 बजे तो देखा कि यहाँ टीन कटा हुआ था और कुछ सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ था पूरा। फिर हमने पुलिस को तुरंत शिकायत की है। तो बाकी पुलिस तो उनका कार्य कर ही रही है, लेकिन अब देखने में आए लगभग 80 से 90 हजार रुपये की चोरी हुई है। ये प्रफुल्ल साहू हैं जिनकी दुकान पुराना बस स्टैंड गंज में है। और सुबह डायल 100 में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी तो मौके पर घटनास्थल पे पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने वहां पर से फुटेज प्राप्त किए हैं और फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।